जी वेलकम माय यूट्यूब चैनल अनमोल कुछ लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और आज का व्लॉग मेरा फिर से शाम से ही स्टार्ट हो रहा है। आज मुझे सुबह से फुर्सत नहीं हुई है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं कर रही थी आज सिलाई। और मैंने जो बताया था कि आप लोगों को कुर्ती मैं सिलूँगी खुद से ही, तो मैं आज सारा दिन उसी में लगी रही, क्योंकि बीच बीच में मुझे किशू को भी लेना पड़ रहा था। और जब हमें कुछ काम करना होता है ना, तब तो बच्चे बिल्कुल मतलब काम करने देते हैं, तब ज़्यादा परेशान करते हैं हमें। तो अब मैंने किशू को सुला दिया है, बैठ जाते हैं, बैठ कर बात करेंगे। और ये अब सोया है, और अब इसे सुला कर मैं जाऊँगी किचन में। और इसके खिलौने भी पड़े हुए हैं, अभी तक मुझे मतलब कमरा ऐसे ही फैला हुआ है हमारा। मोक्स गया हुआ है ट्यूशन, अभी उसका टाइम भी हो गया लाने के लिए, 10 मिनट है बस। तो 10 मिनट में ही मैं जाऊँगी किचन में कुछ तैयारी करने के लिए। मैं बनाऊँगी आज केक। मोक्ष कह रहा था कि मम्मा केक बनाओ, तो बच्चों की फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। तो सुबह से तो मेरे को टाइम नहीं मिला, वो कह रहा था कि मैं स्कूल से आऊँगा तो तब तक बना लेना, तो बन नहीं पाया, मैं सिलाई में लग गई थी। तो अब मैं जाऊँगी किचन में और चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं किचन में कि मैं केक कैसे बनाती हूँ, आप लोग भी सीख रहे हैं। जिन लोगों को नहीं बनाना आता है, आजकल तो सभी बना लेते हैं, तो मैं बिस्किट से बनाऊँगी केक, और जिनको नहीं आता है तो उनको सीखने को भी मिल जाएगा। चलते हैं किचन में। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने ओरियो बिस्किट, मैंने बिस्किट के 4 पैकेट लिए हैं ओरियो वाले। और यहाँ पर मैं इनकी क्रीम को निकाल कर अलग कर लूँगी, तो वो हमारे काम आएगी आगे। और मेरे पास चॉकलेट नहीं थी, तो मुझे मतलब आइडिया नहीं था कि ख़त्म हो गई होगी चॉकलेट, क्योंकि मोक्ष के लिए लाते रहते हैं, मोक्ष के पापा जी, तो ज़्यादा तो नहीं चॉकलेट वो खाता है, कभी कभी मतलब आ जाती है तो इकट्ठी आ जाती हैं। तो फिर मैंने देखा नहीं कि उसमें चॉकलेट नहीं है, उसने फ्रिज से निकाल कर खा ली, तो मेरे को पता नहीं चला। तो उसमें आज सिर्फ एक ही चॉकलेट बची थी, कल तक तो उसमें चार तो थी ही, पर मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसने उठाई। तो बच्चे कर जाते हैं ऐसे काम भी, तो मुझे पता नहीं था, तो मुझे एक ही चॉकलेट से काम चलाना पड़ा। और यहाँ पर मैंने बिस्किट को तोड़कर डाला है, क्योंकि मैंने मिक्सी नहीं चलाई थी, किशू सोया हुआ था अंदर, तो फिर किशू उड़ जाता तो फिर मुझसे कुछ भी काम नहीं हो पाता, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको हाथ से ही, कभी मैंने इससे भी पीसने की कोशिश की, फिर मैंने इसको प्लेट में भी डाला तो ये इससे भी नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पर ली कटोरी इसको पीसने के लिए, तो इससे तो कुछ ठीक ठाक हो गई थी ये। और यहाँ पर बिस्किट में मुझे इतना टाइम लग गया कि मोक्ष का टाइम हो गया था और मुझे पता भी नहीं चला, तो मैं फिर इसको यहीं पर रोक कर मैं इसमें दूध डाल कर चली गई थी। तो जो थोड़ी बहुत कमी इसमें रह गई थी बिस्किट में, तो वो पूरी हो गई थी, वो बिस्किट अच्छी तरह से घुल चुका था उसमें दूध में। तो मैं इसे बाउल में डालकर और इसमें दूध डालकर, तो मैंने इसको थोड़ा सा चलाया था, तो मैंने देखा फिर मोक्ष का टाइम हो गया, तो मैं उसको लेने चली गई और मैं उसको ऐसे ही छोड़ गई थी। तो ये पूरा अच्छी तरह से ठीक हो चुका था, अच्छी तरह से घुल गया था हमारा बिस्किट। तो यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई, मैं कढ़ाई में बनाऊँगी केक। और इसमें डाल दिया मैंने नमक, तो नमक जब तक गर्म हो जाएगा, जब तक मैं उसको तैयार करूँगी पेस्ट को, तो यहाँ पर मैं इसको चला रही थी, तो इसको थोड़ा मतलब थोड़ा पतला सा रखना होता है, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना होता।
और इसमें डालूंगी मैं एक इनो, पूरा पैकेट एक इनो का जाएगा इसमें। और इनो को डालकर उसे ज़्यादा देर तक चलाना नहीं है, बस उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसको थोड़ा सा ऊपर से दूध भी डालना है। थोड़ा सा दूध डालने से ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। मैंने इसमें यहाँ पर थोड़ा सा दूध भी डाला था। तो इसको मैं कर दूंगी फिर दूसरे बाउल में। तो जो मेरे पास टिफ़िन था तो मैंने उसमें रख दिया था इसको। मैंने इसमें थोड़ा सा घी डालकर लगा दिया था, मेरे पास मैदा नहीं था और बटर पेपर भी नहीं था। तो अच्छा होगा अगर आप लोग इसमें बटर पेपर या कुछ मैदा वगैरह छिड़क ले उसमें अच्छी तरह से। तो मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको ऐसे ही निकाल लिया था और ये निकल चुका था मैंने निकाला तो मैंने इसमें घी लगा लिया था। पर यहाँ पर मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। मैंने इस कढ़ाई को रख तो दिया था लेकिन इसमें कुछ सेटिंग नहीं हो पाई। मैंने केक रखा जैसे ही, तो वो आप लोगों को भी दिख जाएगा कि मैंने क्या किया क्योंकि मैंने इसमें जब ये मैंने इसमें ढक्कन रख दिया था क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं था। और मैंने फिर रख दिया इस टिफ़िन को केक डालकर, पर इसके ऊपर से ढक्कन नहीं लग पा रहा था क्योंकि फिर उसमें भाप ना बनती तो फिर वो बेकार हो जाता। तो प्लेट पूरी आ नहीं रही थी, उस पर मैंने दूसरी भी प्लेट रख कर देखी तो उसकी कुछ सेटिंग नहीं हुई, इसमें से भी वो निकल जा रही थी। तो यहाँ पर हो गई ये वाली मेहनत बेकार। तो फिर मैंने रखी थी यहाँ पर दूसरी कढ़ाई, मैंने ये बड़े वाली कढ़ाई रख दी थी। फिर से मैंने इसमें स्टार्ट किया, नमक डाल दिया मैंने इसमें और फिर मैंने इसमें रखी वो प्लेट, दूसरी प्लेट रख दी थी फिर मैंने क्योंकि ढक्कन गर्म हो चुका था। तो फिर मैंने इसमें रखी प्लेट और फिर से रखा मैंने इसमें केक को। और फिर जब जाकर मैंने इस पर प्लेट रखी थी तो तब इस पर कुछ सेटिंग हो पाई थी इसकी। तो इस केक को मैंने इसमें सेट कर दिया था। इस केक को सेट करने के बाद मैंने दूसरी गैस पर रख दिया था एक लोटे में पानी। तो क्योंकि और वो पानी मैंने रखा था इसलिए क्योंकि हमें करनी थी चॉकलेट मेल्ट, और जो मतलब मेरे पास बिस्किट की क्रीम थी वो मैंने डाली थी और जो मेरे पास एक चॉकलेट बची हुई थी तो मैंने वही रख दी थी, तो उससे काम हो जाएगा हमारा। तो चॉकलेट को डायरेक्ट गैस पर मेल्ट नहीं करना है तो इसलिए मैंने उसमें रखा है गर्म पानी, मतलब पानी गर्म करने के लिए। तो उस पानी के ऊपर ही मैं उसको कटोरी को रख दूँगी तो वो उससे मेल्ट हो जाएगी। तो फिर मैंने डाला था इसमें एक चम्मच मक्खन भी मैंने इसमें ऐड किया था और थोड़ा सा दूध भी, दूध से थोड़ा सा पतली हो जाएगी वो। तो फिर मैंने इसको मिक्स करके अच्छे से, और मक्खन डालने से ना इसमें शाइनिंग आ जाती है क्रीम में तो ये हमारी केक पर भी अच्छी लगती है। लेकिन मैंने इसको बना तो दिया था पर मोक्ष ने मना कर दिया कि मम्मा इसको मत डालना, तो फिर मैंने नहीं डाली थी क्योंकि बच्चों को जो पसंद आता है मैं उसकी फरमाइश से ही बना रही थी। तो उसको जो अच्छा लगा, जैसे अच्छा लगा मैंने उसको ऐसे ही बना कर दिया। तो फिर मैंने इस क्रीम, इस मतलब इस चॉकलेट को उस पर नहीं डाला था तो मैंने उसको सिंपल ही दिया था, पर फिर भी उसने सिंपल केक भी नहीं खाया था। तो ऐसा ही होता है, बच्चे बोल तो देते हैं कि हम खाएँगे तो बनवा देते हैं और फिर खाते नहीं हैं, थोड़ा सा टेस्ट करके उसने छोड़ दिया था। और मैं सोच रही थी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था तो मैं यहाँ पर राजमा भी उबलने के लिए रख रही हूँ और मैंने राजमा को पहले से भिगाया नहीं है तो मैं डायरेक्ट ही बना लेती हूँ। तो मैंने राजमा को धोकर गैस पर रख दिया उबलने के लिए और मैं इसको धीमी आँच पर पकाऊँगी, धीमी आँच पर इसमें सिट्टी लगाऊँगी, उससे ना ये अच्छी तरह से गल जाएगा। और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसमें नमक, तो ऐसे भी राजमा अच्छी तरह से बन जाता है, आप लोग भी ट्राई करना। और यहाँ पर मैंने गैस को कर दिया है कम, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको पकाऊंगी और लो फ्लेम पर भी इस पर सीटी आने दूंगी। और मैं यहाँ पर केक को भी चेक कर रही थी क्योंकि आधा घंटा हो चुका था इसको रखे हुए, तो आधे घंटे बाद मैं इसको ट्राई कर रही थी तो ये काफ़ी हद तक पक चुका था हमारा केक, बस इसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी। तो मैं इसको 5-7 मिनट ही पकाऊंगी इसके बाद, तो फिर मैं इसको निकाल दूंगी। तो मैंने इसको दोबारा से रख दिया था बंद करके, तो ये हो चुका था, बस कुछ ही परसेंट बाकी रह गया था। तो 5-7 मिनट बाद मैंने फिर से इसको चेक किया था तो ये अच्छी तरह से बन चुका था। तो
तो मैंने इसको निकाल दिया था यहाँ पर, और मैं इसको ठंडा करके निकालूंगी, गर्म नहीं निकालूंगी, गर्म फिर टूट जाता है, निकलता नहीं है अच्छे तरीके से, तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। पर केक हमारा थोड़ा सा क्रैक हो चुका था जब मैंने उसको निकाला था, क्योंकि मैंने इसमें मैदा नहीं लगाया था, तो मेरे पास था नहीं और बटर पेपर भी नहीं था। तो आप लोग इसमें से एक चीज़ ज़रूर ट्राई करना, मैंने कोशिश करके फिर भी निकाल लिया था। जो लोग पहली बार बनाएंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी निकालने में केक, तो फिर आप लोग ज़रूर डालना। तो मैं यहाँ पर करने लगी हूँ राजमा बनाने की तैयारी, क्योंकि मुझे हो गई थी काफ़ी देर, तो वही बेसिक तरीके से बनाते हैं जैसे। तो मैं यहाँ पर बेसिक मसाले डाल रही हूँ, और मैं यहाँ पर डालूँगी सूखा धनिया पाउडर भी मैंने इसमें डाला है, और मैं जब मसाला बनाती हूँ तो मैं इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर देती हूँ तभी, तो मैं इसमें कसूरी मेथी भी डालूँगी। और मैं बस इसको राजमा को इसमें डालकर, अगर आपका राजमा इस तरह से अगर आप लोग बनाते हैं कच्चा रह जाए तो आप इसमें दोबारा से कुकर में डालकर सीटी लगा सकते हैं, पर मुझे ज़रूरत नहीं थी, मेरा राजमा हो चुका था। तो बस यहाँ पर राजमा रेडी हो गया, और फिर मैं बना दूँगी जल्दी से रोटी, चावल नहीं बनाऊँगी मैं अब रात को। तो जी आकर मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर, और केक हमारा बन चुका था, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी ब्लॉग्स के चक्कर में, और किसी भी रोने लग गया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे केक बनाते हुए, और मैंने फिर बीच में राजमा बनने के लिए रख दिया था, तो फिर मैंने उसको लिया पहले टिशू को, फिर उसको चुप कराया, तो फिर मैंने बीच में रॉक्स को दे दिया, मुझे ध्यान ही बना गया आप लोगों को दिखाना। और मैं मतलब मैं लाइव हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ऐसा हो जाता है ना कि पता नहीं बना था कि नहीं बना, हमें तो दिखाया ही नहीं, तो ये देखिए। और ये आधा खाया भी जा चुका है, मोक्ष को मैंने दिया था पर उसने खाया नहीं, उसने कटवा दिया कि ऐसे काटूंगा मैं, ऐसे काटूंगा, मुझे उसको शौक लगा हुआ था, मैं आप लोगों को काट कर दिखाती हूँ। और उसमें से एक पीस बचा भी हुआ है जो हमने काटा था। क्रिकेट का तो पता नहीं पर तूने टूटू के साथ बहुत अच्छा गेम खेला बंटी। तो ये देखिए, ये देखिए केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है, घर में बन जाता है, बच्चों के शौक पूरे हो जाते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़े से कम सामानों में बन जाता है जल्दी से। तो आप लोगों से बात करने के बाद मैं आ गई थी किचन में जल्दी से रोटी बनाने के लिए, और वहाँ पर टीवी चल रहा था तो काफ़ी आवाज़ आ रही थी, आपको आ भी रही होगी, तो वहाँ पर मैं बोल नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा कि फिर कोई बात नहीं तो बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो फिर मैं आ गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए, तो मैं जल्दी से बना लूँगी खाना और फिर हम करेंगे डिनर, क्योंकि मोक्ष के पापा जी भी आ चुके थे, तो किसी को निराश नहीं करना चाहिए। तो अब हम लेंगे आपसे इजाज़त, और इस वीडियो का करेंगे हम यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल, तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।